जैसा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया आपको कि कॉपी मत कीजिए किसी को, अपना एक अलग स्टाइल क्रिएट कीजिए। उसी तरह से मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि जो मिमिक्री है, अलग अलग एक्टर्स की आवाज निकालना है, कई लोग उसको एक्टिंग समझ लेते हैं और उसके बेसिस पे एक्टिंग का काम पाने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा, मिमिक्री जो है वो एक्टिंग नहीं है। आप मिमिक्री को एक्टिंग का पार्ट कह सकते हैं, वन ऑफ द पार्ट कह सकते हैं एक्टिंग का, बट ये एक्टिंग नहीं है। मिमिक्री में आर्टिस्ट क्या करता है, मिमिक्री आर्टिस्ट अलग अलग एक्टर्स की आवाज निकालता है, कॉपी करता है, और एक एक्टर को, एक किरदार को जीना पड़ता है, उसके अंदर जाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, मुझसे भी कई बार ऐसे लोग मिलने आते हैं। एक बार एक लड़का मिलने आया तो अक्षय कुमार की कॉपी कर रहा था। सर हम अक्षय हैं, अपना नाम भी उसने अक्षय रखा हुआ था, और जिस लड़के के साथ आया उसने, सर ये अक्षय कुमार की कॉपी करते हैं, अक्षय है। यार बात ठीक है, आप अक्षय कुमार की कितनी अच्छी कॉपी करते हो तो वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है भाई। आप अगर अपने इमोशंस, अपने एक्सप्रेशंस या और कोई आप कैरेक्टर में जा सकते हो तो उस चीज की हमें जरूरत है। आपके पास अपना क्या है? अभी किसी को डुप्लीकेट अक्षय की या जूनियर अक्षय की जरूरत नहीं है, या अक्षय कुमार की एक्टिंग नहीं करवानी है। आपके पास अपना क्या है? तो अगर आप मिमिक्री करते हैं और एक्टिंग करना चाहते हैं तो एक्टिंग को समझना जरूरी है। हाँ, अगर आप सिर्फ मिमिक्री आर्टिस्ट या स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ठीक है, मिमिक्री एक अच्छा प्रोफेशन है, अच्छा लोग इससे भी नाम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसको पूरा एक्टिंग समझने की गलती मत कीजिए। एक्टिंग जो है एक बहुत बड़ा आर्ट है, आपको अलग अलग किरदार को जीना पड़ता है, अलग अलग इमोशंस में जाना पड़ता है, फील करना पड़ता है। तो जो भी आर्टिस्ट मिमिक्री को और एक्टिंग को सोचते हैं एक ही है, एक ही समझने की गलती करते हैं, तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि मिमिक्री और एक्टिंग दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। हाँ, मिमिक्री एक्टिंग का पार्ट है, बट मिमिक्री जो है वो एक्टिंग